गुरुदेव ने कहा कि जब त्रिपदा गायत्री को पुकारा जाता है तो तीन तरह के भावों से पुकारा जाता है। पहले जिस भाव की आवश्यकता है वो गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर पर विश्वास, गुरुदेव पर, गायत्री माता पर विश्वास, पूजा नहीं, विश्वास। पूजा करने वाले तो बहुत होते हैं पर विश्वास करने वाले कम होते हैं दोस्तों। विश्वास की परीक्षा तब होती है जब आदमी के जीवन में संकट आते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि तोता है, उसको आप राम 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 कहना सिखा दो तो बहुत अच्छे से बोलता है, पर यदि बिल्ली आकर के गर्दन पकड़ ले तो मुंह से टेंटे टेंटे ही निकलता है। आदमी के जीवन में श्रद्धा की परीक्षा तभी होती है दोस्तों जब आदमी के जीवन में संकट आते हैं। सैनिक की परीक्षा युद्ध के मैदान पर होती है, छावनी में नहीं होती। भक्त की परीक्षा जीवन के संकटों में होती है, आसान समयों में नहीं होती। बाकी समयों में तो हर कोई कुछ करने को तैयार हो जाता है, पर जो हमारा विश्वास है वो विश्वास की परीक्षा होती ही तब है जब जीवन में संकट। बड़ौदा के राजा थे रंजीत सिंह, वो अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ लौट रहे थे। रास्ते में तूफान आ गया, नाव ऐसे ऐसे हिलने लग गई बहुत बुरी तरह से, जो शिप था वो लड़खड़ाने लगा, यहाँ तक कि जहाज का कैप्टन भी घबरा गया। उसने कहा कि लगता है कि आज सब लोग मरेंगे। और जो पत्नी थी राजा की, उनने देखा कि पति तो ध्यान में बैठे हैं। बोले, आपको डर नहीं लग रहा? बोले, नहीं। बोले, क्यों? तो महाराज ने अपनी तलवार निकाली और पत्नी के गर्दन पर रख दी। तो पत्नी बोली, आपको इस समय में मजाक सूझ रहा है? बोले, ये बाहर नाव हिल रही है और आपको मजाक सूझ रहा है? बोले, आप मेरी गर्दन पर तलवार रख रहे हो। बोले, तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोले, मुझे डर क्यों लगेगा? बोले, क्यों? बोले, आप मेरे पति हो? तो वो बोले, वो मेरा पिता है, मुझे क्यों डर लगेगा? उसके ऊपर भरोसा है, नाव हमारी लड़खड़ाती है दोस्तों, पर ऐसे में पिता के ऊपर विश्वास रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। नाव लड़खड़ाए तो लड़खड़ाए, भगवान ने देखा होगा, गुरु ने देखा होगा, पिता ने देखा होगा, उनको पता होगा कि रास्ता क्या है, हमें नहीं पता। हम लोग जो है इस विश्वास के साथ अपने जीवन की नाव उनके समुन्द्र में छोड़ते हैं कि उनको तो पता है रास्ता, उनको तो पता है कि जाना किधर है, उनको पता है कि करना क्या है। दोस्तों, ऐसे समय में जब जीवन में संकट आए तो व्यक्ति के सिद्धांतों की, व्यक्ति की श्रद्धा की, निष्ठा की परीक्षा होती है, आसान समय में नहीं होती। विश्वास ऐसा हो जैसा कि उस राजा का था, विश्वास ऐसा हो जैसा कि हनुमान जी का था। हनुमान जी से लोगों ने कहा भगवान राम से कि इतने सारे आपके भक्त हैं, नल नील हैं, सुग्रीव हैं, जामवंत हैं, सब लोग बड़े बड़े भक्त हैं, विभीषण हैं। बोले, आप तब भी हनुमान जी को इतना महत्व क्यों देते हैं? भगवान राम ने कहा कि हनुमान की तरह का दूसरा है नहीं कोई। बोले, क्यों? बोले, आपको दिखाता हूँ। तो भगवान राम गए, नल नील जो है उस समय में राम राम लिखते जा रहे थे और पत्थर को पानी में फेंकते जा रहे थे तो पत्थर तैरने लग जाता था। भगवान राम ने नल नील से पूछा कि भाई ये तैर क्यों रहा है? बोले, भगवान आपका नाम लिख रहे हैं तो तैर रहा है। बोले, यदि मैं लिख करके डालूं तो तैरेगा? बोले, हाँ, क्यों नहीं तैरेगा, बिल्कुल तैरेगा। बोले, आप एक पत्थर दिया, बोले भगवान को चौक दी, बोले आप लिखो इस पे राम राम लिखो, राम लिखा और उन्हें डाला, डाला तो पत्थर गया डूब। अब पत्थर डूबा तो नल नील को लगा कि हमारे कारण तैर रहा था, ये तो भगवान के कारण कहाँ तैर रहा था, तो हम तैरा रहे थे, भगवान के कारण तैर रहा होता तो अभी तैरता नहीं, डूब जाता। हनुमान जी से पूछा, उनने सबसे पूछा तो सब थोड़ा चुप हो गए, बोले कि लगता है हमारे ही कारण तैर रहा था। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आप बताओ क्या सही है क्या गलत? तो हनुमान जी बोले कि भगवान तैर तो आप ही के कारण रहा था। बोले, कैसे? बोले, भगवान आपके नाम में इतनी ताकत है कि यदि कोई पत्थर को डालता है, नल नील भी डालते हैं, हमारे जैसे अनगढ़ भी डालते हैं, तो आपके नाम के कारण वो पत्थर पानी पर तैरने लग जाता है। भगवान राम बोले, और फिर मेरे फेंकने से डूब क्यों गया? बोले, भगवान जिसको आपने त्याग दिया उसको उठाने वाला कौन है? जिसको आपने त्याग दिया उसको कौन उबार सकता है? उसका तो डूबना तय ही तय है। जब आदमी के अंदर ऐसा विश्वास आ जाता है दोस्तों, जब आदमी के अंदर ये विश्वास आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ घट रहा है घटाने वाले को पता है, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? जो घटा रहा है उसको चिंता करने की आवश्यकता है? मैं चिंता करने वाला कौन होता हूँ? गुरुदेव ने कहा पहले जिस भाव की आवश्यकता है कि वो विश्वास प्रबलता के साथ आए। और विश्वास आदमी का कब कब आ जाता है दोस्तों? जिंदगी की जब तकलीफें आती हैं, कष्ट और कठिनाइयां आती हैं, उस समय में विश्वास लड़खड़ाने लगता है कि पता नहीं गुरुदेव हैं कि नहीं। और यदि गुरुदेव हैं कहीं, यदि गायत्री माता कहीं है, यदि वो दिव्य गुरु सत्ता कहीं पर है जिनने हमें खींच करके यहाँ ले करके आए,
तो जिम्मेवारी उनकी है कि वो पार लगाएंगे, हमारी नहीं। हमारा काम है कि हम अपने काम को अच्छी तरह से करें और अपने जीवन को उनके हाथों में उस तरह से सौंप दें जैसे बिल्ली का बच्चा सौंपता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि दो तरह के बच्चे होते हैं, बंदर का होता है और बिल्ली का होता है। बोले बंदर का बच्चा अपनी माँ को छोड़ता नहीं, चिपका रहता है, और बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता, म्याऊं म्याऊं करता है, माँ जहाँ होगी आके ढूंढी लेगी। हम लोग भी जब गायत्री मंत्र कर रहे हैं दोस्तों तो म्याऊं म्याऊं ही तो कर रहे हैं, गायत्री माता से कह रहे हैं कि आप जहाँ हो आकर के ढूंढ लो। हमको नहीं पता कि जाना कहाँ है, आप कौन से लोक में बैठे हैं, आप कौन सी जगह पर बैठे हैं, हमें किसी ने एड्रेस दिया नहीं है, GPS में फीड नहीं है कि आपको गायत्री माता के पास ऐसे पहुँचना है। गुरुदेव के पास हम पहुँच नहीं सकते, हम म्याऊं म्याऊं कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ माँ है आकर के ढूंढ ही लेगी। जो पहली चीज़ है वो ये है, गुरुदेव ने कहा कि विश्वास आए।